ओम शांति। हमें बाप समान संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति पाई और तीन महंताओं को धारण कर लिया। एक है निराकारी स्थिति, दूसरी निर्विकारी स्थिति, तीसरी संपूर्ण निरहंकारी स्थिति। अपने अहंकार को सदा के लिए समाप्त कर दिया। जब कोई भी योगी आत्मा संपूर्ण निरहंकारी बन जाती है, वो बहुत निर्मल हो जाती है और ये निरहंकारिता उसको बहुत शक्तिशाली भी बना देती है। निराकारी स्थिति के लिए तो बहुत ज्यादा योग का अभ्यास बाबा ने भी किया और हमें भी करना है। अश्रत्नों की ये पहचान है कि वो एक सेकंड में देह से न्यारे हो जाएंगे, अर्थात एक सेकंड में मन शांत अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित, अंत में उन्हें एक के सिवाय कुछ भी याद नहीं आएगा और वो ऐसी सहज स्थिति में शरीर छोड़ेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ थे और वहां हैं, बीच में कुछ नहीं हुआ, केवल एक बाबा की याद में। तो अंत में योग युक्त होकर देह छोड़ना, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम निर्विकारी बने, माया के पांचों विकार और पांचों विकारों के सूक्ष्म स्वरूप, इन सभी को हमें विजय प्राप्त करना है। साथ साथ प्रकृति के पांचों तत्वों के आकर्षणों से भी मुक्त होना है। पांच विकार और पांच तत्व, ये 10 विकार तत्वों का शरीर बना हुआ है और शरीर हमें आकर्षित करता है, वो विकारों का आधार बनता है, कारण बन जाता है। तो इन 10 को हमें विजय प्राप्त करनी है तो हम निर्विकारी बनने का सुंदर संकल्प करें। और याद रखें, जो आत्मा संपूर्ण निर्विकारी हो जाती है, इसका इंग्लिश शब्द है वॉइसलेस बन जाती है, उनका बाबा से वैसे ही कनेक्शन हो जाता है जैसे वायरलेस के द्वारा होता है। वॉइसलेस वायरलेस कनेक्शन के अधिकारी। तो जितने जितने हम वॉइसलेस बनेंगे, निर्विकारी बनेंगे, बाबा से हमारा कनेक्शन उतना ही क्लियर रहेगा और बाबा की टचिंग हमें सहज प्राप्त होती रहेगी। जो ये सोचते हैं कि बाबा की बातें हमें पता नहीं चलता, हम बाबा से पूछते रहते हैं लेकिन टचिंग नहीं होती, हम कैच नहीं कर पाते, वो चेक करें हम कितने निर्विकारी हैं, हमने माया के सभी स्वरूपों पर कितना विजय प्राप्त की है। जब आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन जाती है तो उसका चित्त पूरी तरह निर्मल हो जाता है, उसकी भावनाएं दूसरों के लिए संपूर्ण रूप से श्रेष्ठ हो जाती हैं। तो हमें निर्विकारी बनकर पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह इस संसार में चमक कर संसार के अंधकार को नष्ट करना है। निर्विकारी आत्माएं ही सच्चे अर्थों में पूज्य आत्माएं होंगी। इस निर्विकारी स्थिति के आधार से ही किसी की संपूर्ण रूप से पूजा होगी, विधि पूर्वक पूजा होगी। और ब्रह्मा बाबा ने यही स्थिति प्राप्त की, इसलिए आज वो बाप समान हैं। हमें भी बाप समान बनने के लिए निर्विकारी बनना है। तो आज सारा दिन ये संकल्प भी रखेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, और बाबा से पवित्र किरणें भी प्राप्त करते रहेंगे। बड़ी सहज विधि, बड़े सहज रूप से कि बाबा से पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, चलते फिरते हम इस फाउंटेन के नीचे हैं और जिधर देखते हैं उधर हमारे पवित्र वाइब्रेशंस जाते हैं, जिधर देखते हैं प्रकृति को हमारे पवित्र वाइब्रेशंस की मदद मिलती है, पानी को देखते हैं उसमें पवित्र वाइब्रेशंस जाते हैं, पहाड़ों को देखते हैं उनको जाते हैं, वृक्षों को देखते हैं उनको जाते हैं। इस तरह का अभ्यास हम करते रहेंगे
मैं परम पवित्र, पवित्रता का सूर्य, बाबा की पवित्र किरणों के नीचे और जिधर भी देखते हैं उधर ही पवित्र किरणें फैलती जा रही हैं। आइए हम सभी पवित्रता का दान दें संपूर्ण प्रकृति को और इस संपूर्ण वायुमंडल को परिवर्तित करने के लिए। ओम शांति।